कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा दमायाश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको उपकर्मा आयुर्वेदा ब्रांड के तुलसी ड्रॉप के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये औषधि, ये दवा आपके बॉडी को किस तरीके से फायदा देती है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज एंड सब के बारे में। इससे पहले गाइस अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं तुलसी ड्रॉप के बारे में, जिसको उपकर्मा आयुर्वेदा ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये जड़ी बूटी गाइस एकदम हर्बल इंग्रेडिएंट के साथ इसको मिलकर बनाया गया है। आप इसे इम्यूनिटी टॉनिक मान सकते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। गाइस अगर आपको कफ, खांसी, जुकाम जैसी समस्या है तो ये ड्रॉप आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है तुलसी। तो तुलसी के बारे में तो गाइस आप वैसे भी जानते ही होंगे कि तुलसी आपके खांसी और कफ और जुकाम जैसी समस्या में कितना राहत देती है। जैसे कि अगर आप चाय पी रहे हैं और उसके अंदर अगर आप तुलसी की पत्ती डाल देते हैं और उस चाय को खदकाएंगे तो गाइस आपका जो गला है, जो चौक हो रहा है आपका गला, कफ को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करेगी। उसी प्रकार गाइस ये तुलसी ड्रॉप है जिसके अंदर तुलसी प्रेजेंट है जो कि आपके कफ, खांसी, जुकाम जैसी समस्या से राहत देगी, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगी और स्टेमिना बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अंदर गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके बॉडी को नुकसान करे, बल्कि इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट हर्बल मिलाए गए हैं। लॉन्ग पीरियड तक गाइस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज करने का तरीका ये है, आपको 2-3 ड्रॉप लेनी है और उसे पानी के अंदर डाल करके उसका सेवन कर लेना है। एक बार ले सकते हैं, दो बार ले सकते हैं, या फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, ना ही इसको खुराक से ज्यादा मात्रा में ले। पर याद रखें गाइस, अगर आपको पहले से कोई बीमारी हो या फिर आप पहले से कोई इम्यूनिटी का टॉनिक ले रहे हो, कोई भी दवा ले रहे हो, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और गाइस इसे खुराक से ज्यादा मात्रा में भी न ले, के आप सोचें कि ज्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारी जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। कोई भी चीज को अगर जैसे कि आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको पेट में दिक्कत होने लगती है, उसी प्रकार गाइस इन दवाइयों का होता है। भले ही ये हर्बल तरीके से बनाई गई है लेकिन खुराक से ज्यादा मात्रा में इसको न लें। आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जहां आपको गाइस सस्ता लगे, अफोर्डेबल लगे, आप वहीं से इसको परचेज करें, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जहां सस्ता मिल रहा हो आप इसे वहीं से परचेज करें। तो चलिए प्राइस की बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। इसकी गाइस जो 30 ml की पैकेजिंग है आपको 299 रुपए में मिल जाएगी इजीली तरीके से। और सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।